हेलो, गुड मॉर्निंग नर्सरी क्लास बच्चों. आज मैं आपको मैथ्स में सिखा रही हूँ. मैथ्स में आपको क्या करना है, दिस इज़ योर मैथ्स कॉपी. ऐसे स्क्वायर होते हैं, इसके अंदर हमने वन लिखा था, ठीक है. आज हम लिख रहे हैं टू. देखिए, अब हम टू कैसे लिखेंगे. ये हमारा एक पॉइंट है ना, ध्यान से देखिएगा. ये हमारा एक पॉइंट है. इसमें मैं क्या करूँगी, पहले एक उल्टा सी बनाऊँगी. ये करने के बाद में ऐसे दिस इज़ टू. वापस देखेंगे, ये ऐसे उल्टा सी बनाना है, कर्व बनाना है. और ये टू, पेंसिल को उठाना नहीं है. ये ऐसे टू, ये ऐसे टू, ये ऐसे टू, ठीक है. तो इस टाइप से आपको टू बनाना है. वन लाइन लीव करनी है, लीव मतलब छोड़ना. वन लाइन को लीव करनी है और हमें लिखना है टू. अगेन हम वन ब्लॉक छोड़ेंगे, देन लिखेंगे टू टू टू. देखिए, मैं पेंसिल उठा नहीं रही हूँ, है ना. ये ऐसे हाफ सर्कल एंड देन ये, दिस इज़ टू, ये टू, ये टू, हाफ सर्कल एंड स्ट्रेट. देखिए, वापस देखिए, हाफ सर्कल स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल स्लिपिंग लाइन, हाफ कर्व स्लिपिंग लाइन, हाफ कर्व स्लिपिंग लाइन, हाफ कर्व स्लिपिंग लाइन, हाफ कर्व स्लिपिंग लाइन. इस तरह से आपको पूरा पेज कंप्लीट करना है. वापस ये देखिए, टू हाफ सर्कल स्लिपिंग लाइन, हाफ कर्व स्लिपिंग लाइन. पेंसिल को उठाना नहीं है, ध्यान से देखिए. हाफ सर्कल और ये इस तरह से. ये मैं आपको एक बना के बताती हूँ, ये ऐसा कोई भी टू नहीं बनाएगा, दिस इज़ रॉन्ग. इस टाइप से हमें नहीं बनाना है, ठीक है. आपको कैसे बनाना है, हाफ सर्कल और ये हमारा हाफ सर्कल हो गया और ये स्लिपिंग लाइन, ये हमारा हाफ सर्कल स्लिपिंग लाइन. तो इस तरह से आपको टू बनाना है. फिर नेक्स्ट लाइन टू टू टू, बोलेंगे बार बार टू 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 टू, हाफ सर्कल स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल स्लिपिंग लाइन, दिस इज टू. इस तरह से हमने पूरा पेज, ये हमारा क्लास वर्क है सी डब्ल्यू. इसी तरीके से एक पेज वापस आपको टू का लिखना है और उसके बाद में एक पेज आप लिखेंगे वन और टू दोनों का. वन और टू कैसे लिखेंगे मैं यहाँ बता देती हूँ आपको. यहाँ हमने वन लिखा, यहाँ हमने टू लिखा, अगेन वन लिखा, फिर टू लिखा, अगेन वन लिखा और टू लिखा. ये वन वाली लाइन, ये टू वाली लाइन, वन वाली लाइन, टू वाली लाइन, वन वाली लाइन, टू वाली लाइन, ठीक है बेटा. हाँ, आपका वन और टू कंप्लीट हो गया है मैथ्स में. अब हम आज हिंदी में लिखेंगे. हिंदी में मैं बताती हूँ आज आपको क्या लिखना है. देखिए, अभी हमारी हिंदी की कॉपी है, ठीक है. हिंदी में हमने अ से अनार और आ से आम, मैंने आपका वर्क देखा था, आपने दोनों लिखे थे. आज मैं आपको सिखाऊंगी ई से इमली. अब देखो, ध्यान से देखना, ई से इमली कैसा लिखना है. अभी हम इसमें चौड़ी वाली लाइन में लिखेंगे, जो ब्रॉड लाइन से उसमें लिखेंगे. देखो ध्यान से, देखो, जूम करती हूँ थोड़ा सा, ध्यान से देखना. सबसे पहले हम एक स्लिपिंग लाइन डालेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से स्लिपिंग लाइन. फिर एक छोटी सी हमारी स्टैंडिंग लाइन, पेंसिल को उठाना नहीं है, ऐसे. फिर एक हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, और ये हमारा ई से इमली. वापस देखेंगे बेटा, स्लिपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, छोटा सी, फिर वापस उल्टा सी, और ये एक नोड. ये हमारा बना है ई से इमली. वापस देखेंगे, ये और ये. पेंसिल को उठाना बिल्कुल भी नहीं, पिक नहीं करना है पेंसिल को. वापस देखेंगे ध्यान से, स्लिपिंग लाइन, छोटी स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, उल्टा हाफ सर्कल, और ये एक नोड. ये हमारा बना ई से इमली. वापस देखेंगे, ये
छोटा सा सी, उल्टा सी, और इसी से ऐसे नोट डालेंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया ई से इमली। 1 2 3 4 5, एक लाइन में कितना लिखा है आपने? 5। अब हम आ जाएंगे यहाँ वाली लाइन में, ये हम लिखेंगे 5 बार, फिर लिखेंगे, वापस देखेंगे, ये 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 ई फॉर इमली, ई से इमली, ई से इमली, ई से इमली। देखिए मैंने जूम करके बताया किस तरह से हमें लिखना है, ई से इमली। अंडरस्टूड? अब फिर हम इस वाली लाइन में आ जाएंगे, गॉट इट? वापस देखो ध्यान से बेटा, छोटी सी लाइन, ऐसे सी, उल्टा सी और एक नोड, इसे इमली, ये समझ में आया? ये हमारा क्या बना? इसे इमली। ये देखो, ये हमारा ई से इमली। ठीक है, ये इस तरीके से आपको कंप्लीट पेज करना है, पूरा पेज करना है आपको, समझ गए बेटा? पूरा पेज आपको इस तरह से ई से इमली का कंप्लीट करना है, ये नीचे, और बाकी है भी हमारा। ये हमारा 1 पेज कंप्लीट हो गया, तो ये क्लास वर्क और 1/4 होमवर्क। अब मैं आपको थोड़ा सा ओरल करा देती हूँ। अ से अनार, अ से अनार, बड़ा मज़ेदार, अंदर से है दानेदार। अ से अनार, बड़ा मज़ेदार, अंदर से है दानेदार। आ से आम, आ से आम, आ से आलू, खा कर दे इसको नाचा भालू। आ से आम, आ से आम, आ से आलू, खा कर इसको नाचा भालू। ई से इमली, ई से इमली। ठीक है, आज हमने ई से इमली लिखना ऐसा ही सीखा था ना, तो हम अ आ ई की आज ये दो दो लाइंस लर्न कर लेंगे। जिस दिन जो चीज़ लिखेंगे उसकी लाइन हमें लर्न करनी है। ई से इमली होती खट्टी, खा कर इसको बजती सीटी। ई से इमली होती खट्टी, खा कर इसको बजती सीटी। वापस करेंगे हम एक बार। अ से अनार, बड़ा मज़ेदार, अंदर से है दानेदार। आ से आम, आ से आलू, खा कर इसको नाचा भालू। ई से इमली होती खट्टी, खा कर इसको बजती सीटी। ई से ईख, ई से ईख। जब हम ये लिखना सीखेंगे तब हम इसकी 2 लाइन्स तब लर्न करेंगे। ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, बड़ा उसे ऊन, बड़ा उसे ऊन। री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी। आई से ऐनक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, आम से अंगूर, आम से अंगूर, अह खाली। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला,
घ से घर, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण से खाली, त से तरबूज। अभी गर्मियों में आपने तरबूज खाए होंगे ना, त से तरबूज। थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल। फल खाते हैं ना, फल क्या होते हैं, फ्रूट्स, मैंगो आम होता है ना, ग्रेप्स अंगूर होते हैं, बनाना केला होता है ना, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। ब से बतख, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से राजा, ल से लट्टू, व से वक, श से शलजम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। तो ये हमारा हमने अ से ज्ञ तक पढ़ लिया है। आप मैथ्स में 1 2 3 4 आते हैं आपको, देखो 1 2 3 4 5 वापिस देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10। Got it? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20। अब हम एक बार लिख कर आपको वापस ओरली करा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 or 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके बेटा, ये मैथ्स का रोल हो गया। आपको डेली 1 to 20 बोलना है हिंदी में, अ से ज्ञ तक आपको डेली बोलना है। और अब हम आ रहे हैं इंग्लिश पे। ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, म्याऊ म्याऊ, कैट कैसे बोलती है, डी फॉर डॉग, डॉग कैसे बोलते हैं, भौ भौ ऐसे बोलता है ना, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। तो एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, सब बच्चे ग्रेप्स खाते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ग्रेप्स।
H for hand. I for ice cream. Yummy, yummy ice cream. Everybody like ice cream. L for lion. M for mango. Sweet, sweet mango. N for nest. O for orange. P for parrot. Mittu mittu tota. P for parrot. Q for queen. R for rose. R for rabbit bhi hota hai. R for rose. S for ship. S for ship. T for tiger. U for umbrella. अभी बारिश आने लग गई है ना. रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे. लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले. रेन रेन गो अवे. तो हम रेन जब आती है तब हम क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला. देखो मैंने दो पोएम भी साथ में सिखा दी आपको, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की. वापस बताती हूँ. रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे. लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले. रेन रेन गो अवे. वी फॉर वैन. डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन. डब्ल्यू फॉर वॉच भी होता है. वॉच कैसे होती है? घड़ी पहनते हैं ना यहाँ पर. और डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन. वाटरमेलन खाए हैं सब बच्चों ने समर्स में. एक्स फॉर एक्समस ट्री. वाई फॉर यॉक. और जेड फॉर ज़ेब्रा. तो ये हमने ए टू जेड लर्न कर लिया है बच्चों. अब हम आपको करा देते हैं इंग्लिश में. आज हम लिखेंगे, हमने ए तो लिख लिया था, आज मैं लिखवाऊंगी आपको बी. देखो बी कैसे लिखेंगे हम. बी लिखना ऐसे. ये देखो हमारी ये फोर लाइन की कॉपी है. इसमें बी कैसे लिखेंगे? जूम करते हैं अभी. देखो ये देखो, ये वन टू थ्री फोर लाइन है. हम फर्स्ट से लेकर थ्री तक ये स्टैंडिंग लाइन. फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसा हाफ सर्कल. फिर यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल बी. ऐसे मम्मा को बोलना, ऐसे आपके लिए भी लाइंस बना देंगी. ठीक है, ये देखो ये हमारा बी. पेंसिल को उठाना नहीं है. डोंट पिक पेंसिल. ये 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 हमारी स्टैंडिंग लाइन. फिर यहाँ से यहाँ तक कर्व और यहाँ से यहाँ तक बी. बी फॉर बॉय. ये हम क्लास में लिख रहे हैं. और वन पेज क्लास वर्क एंड वन फॉर होमवर्क. बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल. बोल बोल के लिखना है. बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल. बी फॉर बेबी भी होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेबी. बी फॉर बेबी. बी फॉर बर्ड. बर्ड भी होता है पक्षी. बी फॉर बलून भी होता है, बच्चों को बलून बहुत पसंद होता है ना, बलून गुब्बारा. बी फॉर बलून. बी फॉर बॉय. बी फॉर बेबी. बी फॉर बलून. बी फॉर बर्ड. मैम ने कितने सारे वर्ड्स एक्सपर्ट सिखाए. बी फॉर बलून. बलून मतलब गुब्बारा, जो सब बच्चों को पसंद आता है. बर्थडे में भी यूज़ करते हैं हम. फुला के बर्थडे में लगाते हैं ना. कौन कौन से कलर के होते हैं? येल्लो, रेड, ग्रीन, पिंक, वाइट, है ना, ब्लू, सब कलर के होते हैं. अब ये देखो बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉय. बी फॉर बेबी. बी फॉर बर्ड. और बी फॉर बलून. कितने सारे वर्ड सीखे. ये हमारा वन पेज बी. सेकंड पेज बी है, वो आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, ये इस तरह से आपको वर्क करना है लाइंस बना के. ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.